दोस्तों, दो पेंगुइन की इस तस्वीर को ओशनो फोटोग्राफिक पत्रिका ने ओशन फोटोग्राफर अवार्ड दिया है। दिल को छू लेने वाली तस्वीर में दो पेंगुइन एक दूसरे को गले लगाते हुए चट्टान पर खड़े होकर मेलबर्न की रोशनी में दिख रहे हैं। पूछताछ से पता चला कि इस पुरस्कार विजेता तस्वीर के फोटोग्राफर टोबियास बॉमगार्टनर ने बताया कि दोनों पेंगुइन हाल ही में अपने साथी खो चुके थे और अक्सर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। टोबियास ने इस तस्वीर के लिए कम्युनिटी चॉइस अवार्ड जीता है। फोटोग्राफर जर्मनी के हैं और मेलबर्न के सेंट किल्डा ऑस्ट्रेलिया में इस तस्वीर को क्लिक किया था। समुद्र के किनारे स्थित उपनगर सेंट किल्डा अपने छोटे आकार के पेंगुइन के लिए जाना जाता है, जिनकी ऊंचाई 33 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में छोटे आकार के लगभग 1400 पेंगुइन हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से यूडिप्टूला माइनर कहा जाता है। इस क्षेत्र का प्रबंधन अर्थ केयर सेंट किल्डा संस्था बिना किसी लाभ से कर रही है। ये 1986 से इन पेंगुइन पर स्टडी कर रहे हैं। टोबियास ने करीब 1.5 साल पहले इस तस्वीर को क्लिक किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस तस्वीर को फिर से साझा किया। लोगों ने कम्युनिटी चॉइस अवार्ड के लिए इस तस्वीर पर वोट किया और उसके बाद ये तस्वीर शॉर्टलिस्ट हुई। टोबियास ने मार्च 2020 में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ये जो एक सफेद पेंगुइन है वो एल्डर विडो फीमेल पेंगुइन है जो हाल ही में अपने साथी को खो चुकी है। छोटा मेल पेंगुइन जो उसे दिलासा देते हुए दिखाई दे रहा है, उन्होंने भी हाल ही में अपना साथी खोया है। जर्मन फोटोग्राफर ने जानकारी दी कि इस शॉट को कैप्चर करने के लिए वो 3 रात तक जागे थे। पेंगुइन लगातार आगे बढ़ रहे थे और हमें पेंगुइन के तरफ रोशनी करने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन टोबियास ने कहा कि मैं एक पल में ही भाग्यशाली हो गया। टोबियास ने लोगों से तस्वीर के लिए वोट करने के लिए कहा था, तो दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर को कई पॉजिटिव टिप्पणियां मिली है। एक व्यक्ति ने कहा, इस तस्वीर और उसके पीछे की कहानी मुझे इस महामारी के दौरान शांति और राहत का एहसास दिलाती है। फोटोग्राफर ज्यादातर वन्य जीवों की तस्वीरें क्लिक करते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी समुदायों के साथ भी काम किया है। जब वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तब टोबियास ने मरीन साइंस पर अध्ययन किया। टोबियास को जो महासागर समुदाय विकल्प पुरस्कार मिला है, वह सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। इसमें 6 तस्वीरें थीं, जिसमें से उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया और अन्य 5 श्रेणियों के सबमिशन से उन्हें चुना गया। दोस्तों, इस पिक्चर ने ओशन फोटोग्राफ अवार्ड जीता है। आप इस फोटोग्राफ के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के वायरल वीडियोस और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।